गुरुजनों के पास गुरु मंत्र लेने का समय भी एक हमारे लिए निश्चित किया गया, जयकृष्णियों के लिए खास, कि आठवें साल को लगते ही हम सब के साथ एक स्फूर्णा सी तैयार हो जाती है, हमें अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। उस पहचान के साथ ही हमें पाप पुण्य भी लगने शुरू हो जाते हैं। वो पाप पुण्य लगने मतलब हमारे इस जीवन की एक रजिस्टर जिसका श्री गणेश शुरू हो जाता है, मतलब हमारी शुरुआत हो जाती है कि हमने इस जन्म में आने के बाद 8 साल तक भगवान की कृपा से, बड़े कृपालु महाराज हैं कि हम 8 साल के होने तक अनेक ऐसी गलतियां करते हैं जो अक्षम्य अपराध होते हैं, लेकिन भगवान ने सब माफ किए हैं। और 8वां साल लगते ही हमें पाप पुण्य की शुरुआत हो जाती है, हमारी इस जीवन की जो गाथा सारी जिंदगी भर हम गाएंगे, सुख दुख पाप पुण्य मिश्रित, वो सब लिखी जाती है क्षण क्षण की, एक एक पल की, आंखें चपकने की जितनी निमिष निमिष होता है, इतनी निमिष मात्र की भी हमारी सारी हिस्ट्री लिखी जाती है। इसलिए हर माँ बाप का एक फर्ज है कि उन्होंने बचपन से ही बच्चे को जन्म लेते ही उसका सिर माथा भगवान के आगे झुकाना, उसको भगवान का चरणामृत पिलाना, भगवान को भोग लगाकर उसको दूध पिलाना, भगवान के सामने रखकर उसको बताना कि भगवान का प्रसाद है दिया हुआ, महाराज आप स्वीकार करें और अपना प्रसाद हमें दें, आपकी कृपा प्रसाद से ही हम सब सुखी हैं, भगवान का धन्यवाद करते हुए हमने कुछ भी ग्रहण करना है। ये संसार में हर माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों को ऐसे संस्कार डाले। इसके साथ ही जब वो 8वें साल में हो जाता है, प्रवेश करता है, उसका वही जन्मदिन गुरु मंत्र के साथ होना चाहिए। वो गुरु मंत्र उसका एक रक्षक है। आप सबके पास मोबाइल एक उपसाधन है, किसी को मिलने का, किसी को सुख दुख पूछने का, किसी को सुख दुख सुनाने का, लेकिन कोई खास महत्व की एक आध बात हो जाती है तो उस वक्त आपको जिससे मिलना होता है या जिसकी अप्रोच चाहिए होती है उसका ही नंबर आपके पास नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे, इसको मिलाऊं इसके पास नंबर मिल जाएगा, उसको मिलाऊं उसके पास नंबर मिल जाएगा, बहुत कोशिश करते हैं नंबर नहीं मिलता और परेशानी की जो बढ़ोतरी बढ़ के शरीर पर असर करने लग जाती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमें कोई बीमारी लग जाती है, वो है हमारे इस जीवन का मोबाइल नंबर भगवान का नाम मंत्र। वो 18 अक्षरी मंत्र जो भी हमें गुरुजन विधि पूर्वक देते हैं हमें लेना भी विधि पूर्वक चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं आपके अगर यहाँ अब चुनाव है, कोई मंत्री आने वाला होता है तो कौन आ रहा है, मोदी आ रहा है, ऐसे नहीं कहेंगे आप, गुजरात राज्य मंत्री माननीय श्री श्री ये वो बड़ा कुछ उसको लगाकर फिर मोदी जी आ रहे हैं, पधार रहे हैं, आ रहे हैं भी नहीं कहेंगे, पधार रहे हैं। अगर स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो चुकी है तो उसके साथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी नहीं कहते, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, केवल निवासी श्री महंत फलाने फलाने, ऐसे उनके हर एक नाम के आगे एक आदर भाव लगाया जाता है। उसी तरह हम लोगों को जो मंत्र दिया जाता है वो मंत्र विधि पूर्वक उसको उच्चारण करने के लिए हमें गुरु की शरण जाना पड़ता है। किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, बच्चे कहते हैं हमने किताबों में से बाइबल पहले ही पढ़े हुए थे, लेकिन हमारे शास्त्रकार कहते हैं काले अक्षर पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, कितनी भी किताबें पढ़ो, काले अक्षर लिखे हुए मंत्र जाप करने से तुम्हें फायदा नहीं होगा, तो कितना भी जाप करो ठीक है, आपको संस्कार बनेंगे, आदत बनेगी कि आप कुछ तो भी परमेश्वर का ध्यान करते हैं या उसकी तरफ आपका ध्यान जाता है, आप उसकी तरफ ध्यान लगाना चाहते हैं, ये आदत बनेगी,
लेकिन उसको रिजल्ट में जो आपको कुछ ए प्लस ये वो चाहिए होता है वो नहीं मिलता, इसलिए वो मंत्र विधि पूर्वक स्वीकार करना पड़ता है। जब तक हम विधि पूर्वक मंत्र स्वीकार नहीं करते वो मंत्र कार्य रूप नहीं कहलाते, इसलिए वो मंत्र गुरुजनों की शरण में जाकर नम्रता पूर्वक भगवान को तिलक लगवाते हैं, फूल चढ़वाते हैं, बीड़ा चढ़वाते हैं, फिर गुरुजनों को तिलक लगाते हैं, फूल हार चढ़ाते हैं, बीड़ा देते हैं कि मैं आज से आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे लिए जो भी कहेंगे मैं अपने भलाई के लिए आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहते हुए हम अनेक दुर्व्यसनों को छोड़कर कल बताए हुए विकल्प रूप नेपाल जी के जो भी विधियां अविधियां छुड़वाते हुए गुरुजन बताते हैं, हम उस मंत्र को अगर स्वीकार करके जपते हैं तो आपका मंत्र डायरेक्ट पहुंचता है। अब नाम मंत्र जपने से फायदे क्या है? कुछ लोग कहते हैं भाई जी हम माला पकड़ पकड़ करके थक जाते हैं, ठीक है मत पकड़ो, लेकिन जीभ को संभाल के मत रखो। जीभ हिलाओ खाने के लिए या बोलने के लिए नहीं दी है, खाना तो जीने के लिए सिर्फ खाना पड़ता है, बोलना है तो समय पर जो जरूरत है उतना ही बोलो, बाकी समय पर उस जीभ का इस्तेमाल नाम स्मरण में ही किया जाए। इसलिए वो मंत्र जाप जब हमने करना है तो उसका उच्चारण गुरुजनों के मुख से ही अपने कानों में सुनना पड़ता है, तब हमारी आत्मा को पवित्र आता है, हमारी आत्मा पवित्र होती है। एक लड़के का भी नाम श्री कृष्ण है, उसको भी श्री कृष्ण विला लिखा होता है, श्री कृष्ण निवास लिखा होता है, उसको नाम पढ़ने से आपको वो स्मरण नहीं होगा। वही श्री कृष्ण नाम हम जो गुरुजनों से सुनते हैं उसमें नाम में आकर्षण है, आकर्षण है। नाम सुनने से, नाम उच्चारण करने से श्रद्धा पूर्वक श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सबसे पहले ज्ञान की पहली सीढ़ी का हमारा जो शुरुआत है वो गुरु मंत्र से ही है, नहीं तो हम जय कृष्ण भी नहीं है। आते हैं पूजा प्रसाद करते हैं श्रद्धा पूर्वक, वो आपके संस्कार है या पता नहीं आपका दिखावा है या आप जानते हैं कि चलो सारे जाते हैं मैं भी जाता हूँ, सारे करते हैं मैं भी करता हूँ, सारे बैठे हैं मैं भी बैठा हूँ, सारे आ जाएंगे मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन हमने जाना क्यों है? गोपिका अपना दही दूध मक्खन बेचने जाती है तो क्या कहते हैं कवि, चलो सखी ता जाइए जहां बसे ब्रिजराज, गोरस बेचे हरि मिले एक पंथ दो काज। मंदिर का मतलब ही यही है कि यहाँ आने पर आपको बातों की इसमें से छुट्टी लेकर आपने एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान करना है, नाम स्मरण करना है, वो ध्यान लगाते वक्त आप इस स्थान पर बैठकर जब करते हैं तो आपका ध्यान लगता है, लेकिन वो मन ही मन नहीं, मुंह बंद करके नहीं, नाम उच्चारण करना ही पड़ता है। जैसे कोई राजा है, बहुत बड़ा राजा है, उसके सुबह सुबह उस राजा की भी स्तुति गायन की जाती है, जैसे हमारे मंदिरों में भगवान की उठने की आरती होती है, फिर प्रार्थना होती है, फिर गीता का पाठ होता है, स्तुति स्तवन गाए जाते हैं, फिर भगवान की जय जयकार की जाती है बड़ी जोर से, शंख बजाए जाते हैं, घंटियां बजाई जाती हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, क्यों? कोई ढोंग है ये? कोई दिखावा है ये? ये उस परमेश्वर साधन दाता ईश्वर जिसने इतनी बड़ी सृष्टि रचने की रचना की है उस ईश्वर को पुकारने का माध्यम है। तो हम जब मंदिर में आते हैं तो उसका नाम उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने से वो राजा स्टेज पर बैठा है या अपने सिंहासन पर बैठा है, सुबह सुबह भाट लोग होते थे पहले, हर तुम्हारे घरों में पुराने लोग जो होंगे वो जानते होंगे, भाट जो है तुम्हारी परंपराओं को जानते हैं, आपके पिताजी ये थे, उनके पिताजी ये थे, उनके पिताजी ये थे, हमारे पिताजी का भी ऐसे चार छह पीढ़ियों का है इतिहास उन लोगों के पास होता। वो
भाट जो हैं वो राजा के पास आकर स्तुति गान करते हैं, अरे राजाओं के राजा, अरे तू महाराजा, तेरे पिताजी महाराजा, वो इतना दान करते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, सत्यवादी थे वो, बड़े कर्तव्यवान थे, बड़े प्रतापवान थे, बड़े विचारशील थे, प्रजा के बड़ा सुख चाहते थे, उसके पिताजी भी ऐसे थे, उसके पिताजी वो राजा खुश करके, भाट जो है राजा को खुश कर लेते हैं। क्यों? वो उनका नाम उच्चारण करके उसकी स्तुति गा रहा है, भाट जो है वो स्तुति गा रहा है, स्तुति सुनकर राजा प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होकर अपने गले की मोती माला उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है, ले जा बच्चे, अपने हीरे की माला उतारकर उसको दे देता है, फेंक देता है। इसी तरह ही जब हम नाम उच्चारण करते हैं, श्री चक्रधर, श्री दत्तात्रेय प्रभु, श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय, हम जब नाम उच्चारण करते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्नता आती है हमारे लिए, उनके अंदर जो कृपा है। जैसे कोई बच्चा है पहली बार ही बोलता है मम्मी, माँ के रोमांच खड़े हो जाते हैं, माँ के अंदर प्यार जागृत हो जाता है, माँ उसको छाती से लगाकर चुमिया लेती है, कितना कितना प्यार करूँ वो ही जानती है, आप सबको पता है, अनुभव है। इसी तरह ही जब बच्चा कोई नाम लेता है तो बड़े प्यार से, हमारे आश्रम में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को हम नाम देते हैं तो वो कहती है हमें भी नाम दो, उसको भी फिर माला देनी पड़ती है तो कहती है क्या कहना है उसको, फिर हम कहते हैं हम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री चक्रधर, श्री दत्तात्रेय प्रभु, ऐसे नाम जपते हैं, तू भी जपा। वो भी बिल्कुल पैर मोड़ के आंखें मूंद कर श्री चक्रधर बाबा, श्री चक्रधर बाबा, श्री चक्रधर बाबा, श्री चक्रधर बाबा कहती है, हमें बड़ी खुशी होती है। अगर हमें खुशी होती है तो जिसका नाम है वो क्यों नहीं खुश होगा? इसलिए नाम तो विधि पूर्वक लेना ही पड़ता है और लेना चाहिए। आप जब पैदा होते हैं तो हर कोई ऐसे ही नामकरण नहीं करते, उसके लिए कोई ना कोई छोटा बोता फंक्शन करते हैं कि आज बच्चे का नामकरण है, गुरुजनों से नाम रखवाया जाता है कि बाबा जी इसके कान में फूंक मारो भगवान के नाम की और इसका भी नामकरण करो। मैं छोटी थी तब हमारे यहाँ गुरु जी आते थे, वो गुरुजी के पास बच्चे को ले देते थे तो गुरुजी उनके कान में मंत्र का फूंक मार के उसको फिर उसका नामकरण करते थे ताकि इसके अंदर दूसरी आवाज ना जाए। इसलिए उठते ही हमने उस बच्चे को भी कहना है जय श्री कृष्ण, जय बंसी वाले की, उठो बच्चों उठो। उसी तरह उस बच्चे को जब हमने नाम दिलवा दिया तो आपने उसके मोबाइल में सबसे पहले बंसी वाले का नंबर लिखवा दिया। जिंदगी में सुख संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ है, धन मन कन सब कुछ मिलता है, लेकिन नाम एक ऐसी दौलत है जो आप स्मरण करने से, आप तो पवित्र होते ही हो, आपका उच्चारण से आपकी आत्मा पवित्र होती है, कान पवित्र होते हैं, मुंह पवित्र होता है, लेकिन उस पवित्र से पवित्र जो परमेश्वर का नाम है वो उच्चारण करने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। तो कोई भी नाम ले लें, कोई भी ले लें, कोई कहेगा मैंने राधा स्वामियों का लिया है, कोई कहेगा मैंने देवी का लिया है, कोई कहेगा मैंने कहीं लिया है आनंदपुर साहब वालों का लिया है, नहीं, जयमती भागवत सुनती है, भगवान पैठन में रह रहे हैं, भागवत में कहा गया है कि गुरु के बिना जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना संसार से हम तर नहीं सकते, इसलिए गुरु तो करना है। नारियल केले पान सुपारी फल कुछ और लेकर फूल वगैरह लेकर एक थैली लेकर पैठन की तरफ जा रही है, सुना था उसने कहाँ से लूँ नाम, कौन गुरु करूँ, कैसा गुरु करूँ, सब पुराने लोग वहाँ से कहने लगे कि यहाँ पर भाई साहब का गुरु भाई है, वो बहुत पुराना महात्मा रहता है यहाँ, उन वो गुरु का, वो गुफा के अंदर देखती है, अंदर जाती है, विधवा औरत थी, जवान ही थी, और देखती है कि ये अकेला सन्यासी, नंगा सन्यासी, काला सावला सा अंदर बैठा हुआ है, अकेला रहता है, नहीं मुझे यहाँ गुरु मंत्र नहीं लेना है, क्यों कि मैं विधवा औरत हूँ, इसके पास बैठ नहीं सकती, सुन नहीं सकती, इसकी सेवा नहीं कर सकती,
ये गुरु मेरे लिए योग्य नहीं है, वापस उन्हीं कदमों में आ जाती है, उसको पता नहीं चलता कि ये अंदर आई थी। रास्ते में लखू भाई साहब उसकी पहचान की थी, वो लखू भाई उसको पूछती है, देवमती कहाँ? कहती आई थी इधर। क्यों? कहते हैं भागवत में ऐसा सुना है गुरु के बिना संसार से हम तर नहीं सकते, हमारा अंत भला नहीं हो सकता, इसलिए गुरु करना है तो मैं आई थी, लेकिन मैंने तो वापस हो गई यहाँ से। कहती है हाँ मैं तेरे को बताती हूँ, जिनके नाम से जन्म मरण के चक्कर से हम छूट जाएंगे, ऐसा मैं तेरे को गुरु भी बताती हूँ।